तो गाइस आज हम आरएसी का देखने वाले हैं जो कि डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो पहले देखिए आपका कंटेंट क्या क्या इसमें टॉपिक है। तो फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेंट है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है, साइकोमेट्री है, अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो आज हम पहला चैप्टर में कुछ देखेंगे, कुछ टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में उसके क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन पहले देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन फर्स्ट चैप्टर सिलेबस देखते हैं क्या है इसमें। सिलेबस का ये है, इसमें इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी, डिफरेंस बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, रिवर्स कारनोट साइकिल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले आता है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को आपको डिफाइन करना है क्योंकि आरएसी का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन और एसी का मतलब एयर कंडीशनिंग। तो जो रेफ्रिजरेशन जो आपका होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है, द टर्म रेफ्रिजरेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, मतलब रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम अ सब्सटेंस, सब्सटेंस से हीट निकालने के लिए प्रोसेस है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर जो है किसी सब्सटेंस के अंदर हीट निकालने के लिए काम करता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, मतलब ये साथ ही साथ जो है ये प्रोसेस जो होता है रिड्यूस घटाता भी है टेम्परेचर को और मेंटेन करा रहता है बॉडी के टेम्परेचर को बिलो जनरल और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है जिस जो हमारा सराउंडिंग के जो अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द रेफ्रिजरेशन मीन्स अ कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी हुज टेम्परेचर इज ऑलरेडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, मतलब कहने मतलब कि इसको अदर वर्ड भाषा में अगर दूसरी भाषा में कहें तो जो रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूड जो है मतलब उसमें से हीट जो निकलती रहती है बॉडी में से और टेम्परेचर जो होता है वो ऑलरेडी जो पहले से ही सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमेशा कम होता है, तो ये था रेफ्रिजरेशन। और एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग इज दैट ब्रांच, इस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब एयर कंडीशनिंग एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, ऐसी शाखा है साइंस की, इंजीनियरिंग साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑफ एयर, मतलब इसमें पढ़ाई करते हैं एयर कंडीशनिंग ऑफ एयर दैट इज सप्लाइंग एंड मेंटेनिंग दैट, इसका मतलब होता है कि सप्लाई और मेंटेन करना डिजायरेबल इंटरनल एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ह्यूमन कंफर्ट, मतलब लोगों के आराम के लिए, और इररेस्पेक्टिव और एक्सटर्नल कंडीशन और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफिस वगैरह में होगा तो ये सब इसका यूज़ करते हैं एयर कंडीशनिंग का। उसके बाद से फिर वाट आर द नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, द नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन आर गिवन बिलो, आइस मेकिंग बर्फ़ बनाने में, इंडस्ट्रियल एयर में कंडीशनिंग में, कम्फर्ट एयर कंडीशनिंग, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज में होता है इसका कम्फर्ट एयर में ठंडे करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जब खाने का जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी मन ए सी यूज़ करता है, और इन बिलो फ्रीजिंग और जो फ्रीजिंग करने के लिए केमिकल एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में होता है इसका यूज़, फ्रीजिंग फॉर प्रोडक्ट होता है मेडिकल एंड सर्जिकल एड्स का और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स का। उसके बाद सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, व्हाट यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल थ्रू इवेपोरेटर, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट
which is extracted from storage space in order to maintain lower temperature. It is the desired effect of the refrigerator. देखते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है. वट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और TR. ए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ वन टन 1000 किलोग्राम ऑफ आइसक्रीम ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 degree सेंटीग्रेड इन 24 hours. सिंस द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 kJ पर किलोग्राम. देयर फॉर 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन रबन टी आर इज इक्वल टू 1000 इंटू 335 kJ इन 24 hours. तो 1000 इंटू 335 अपॉन में कन्वर्ट कर देते हैं 24 into 60 कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं ना आवर में तो मिनट में कर देते हैं 232.6 kJ पर मिनट. या फिर इन एक्चुअल प्रैक्टिस 1 TR इज टेकन एज 210 kJ पर मिनट यानी 3.5 kW या दैट इज 3.5 kJ पर सेकेंड. डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट वाइल पासिंग थ्रू इवेपोरेटर टू द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर. इन शॉर्ट इट इज रेशियो बिटवीन द हीट एक्सट्रैक्टेड एंड वर्क डन. मैथमेटिकली COP मतलब जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका मतलब होता है कि हीट अपॉन वर्क डन कितनी. ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन COP एंड एफिशिएंसी. तो COP और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल एफिशिएंसी का जो उल्टा होता है, 1 upon new of heat engine. Thus obvious that the value of COP is always greater than unity. COP की value जो हमेशा greater than unity से एक से ज़्यादा होगी हमेशा. और various methods of refrigeration वही जो बताया अभी. अभी refrigeration के कौन कौन से method हैं? ठीक है, जैसे ice refrigeration हो गया, air refrigeration system हो गया, VCRS इसको बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं, स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, मिक्स्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है. डिफाइन डिफर्स कैन नॉट आल्सो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑन PV एंड TR डायग्राम. तो ये आपका लास्ट थ्योरी है, इसके बाद से जो थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इसका. डिप्लोमा में आपका जो पहले चैप्टर में आपको इतना ही है, उसके बाद से भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में. इस तरह से करके आपका पूरा कंप्लीट RSE में करा दूँगा कंप्लीट. उसके बाद से फिर सोम देखेंगे, फिर थ्योरी ऑफ मशीन देखेंगे, उसके बाद से फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद से सारे सब्जेक्ट इस तरह धीरे धीरे करके देखते रहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये. इट इज मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कैरनॉट साइकिल. तो मशीन होती है किस पे, किसके वर्क करती है? कैरनॉट साइकिल पे वर्क करती है. डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इट विल बी वर्क ऑन फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर भी आपका जो किस पे वर्क करता है? कैरनॉट साइकिल पे. द प्रोडक्शन ऑफ, तो गाइस इसमें बस ये इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरी है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बस इतना जानना रिवर्स कैरनॉट साइकिल क्या है. रिवर्स कैरनॉट साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है? तो रिवर्स कैरनॉट साइकिल पे वर्क करता है, इतना जान लीजिए. और आपका यही PV और TS डायग्राम है. PV का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और TS का मतलब होता है टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. बस यही आपको जानना है. इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं. इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं. बस COP का फार्मूला मैंने रिवर्स कैरनॉट साइकिल में देखना है तो क्या फार्मूला होगा? COP इज टू हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी अपन वर्क डन पर साइकिल. बस आपको ये फार्मूला याद करना है, T2 upon T1 - T2. और COP कैरनॉट साइकिल प्रेशर सिस्टम का मशीन की बात करें तब भी हो जाएगा आपका C2 upon T1 - T2. बस ये फार्मूला याद कर लीजिए. बस हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी और वर्क डन पर साइकिल T1 - T2, T2 upon T1 - T2. बस आपको ये याद कर लीजिए, बस सिंपल सा. थैंक यू.